अस्सलाम वालेकुम माई YouTube फैमिली, आज का खूबसूरत दिन का आगाज़ आपके साथ जो है छोटा सा व्लॉग शेयर करूंगी। तो अभी 9 बज गई हैं और सबसे पहले आप ये सुनिए। के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके होशों पर गिलाफ होती हैं। रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगी, कोई शक नहीं। तो जी गाइस, तो मैं आप सबसे भी ये कहूँगी कि आप अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से किया करें। बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही है। तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट बाहर से आ गया था, मेरे हस्बैंड ले आए थे, और ज़ियान को हम यहाँ रेडी करेंगे। और आप ज़ियान को देख सकते हैं, इस टाइम ज़ियान का मूड बहुत ऑफ है जी। तो आज हम ज़ियान के स्कूल का विजिट करेंगे और एडमिशन फॉर्म भी हमने जमा करवाना है। ये दरअरकम स्कूल है, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर लिया था रात को हमने, और जी ये आप देख सकते हैं ज़ियान को बिल्कुल रेडी, और हम लोग जा रहे हैं ज़ियान के स्कूल। तो हमारे घर से तकरीबन 5-10 मिनट का ही डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मेरी शुरू से ये विश थी कि मैं ज़ियान का जो एडमिशन है दरअरकम में करवाऊँ, क्योंकि इनका एक रूल है कि ये 4th क्लास के बाद जी आपको कुरान हिफ्ज करवाते हैं, ठीक है, और दैन उसके बाद 8th क्लास का सर्टिफिकेट देते हैं। तो देखते हैं अल्लाह पाक को क्या मंजूर है, लेकिन मेरी अपनी जो दिली जो ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को जो है कुरान हिफ्ज करवाऊँ। तो आप सभी दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह मेरी ये विश पूरी हो। तो ये जी आ गए दरअरकम स्कूल, ठीक है। ये दरअरकम स्कूल की बिल्डिंग है, 4th फ्लोर है इसके, ठीक है, और बहुत ही अच्छा स्कूल है ये माशाल्लाह से। अच्छा गाइस, जो यहाँ पे वॉल डेकोरेशन हुई है मुझे वो बहुत अच्छी लगी, और यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की जो सफाई, हर चीज़ बहुत परफेक्ट और हर चीज़ बहुत अच्छी है। जैसा सुना था वैसा जो है देखा भी। और ये सेकंड टाइम है कि मैं ज़ियान के स्कूल का विज़िट कर रही हूँ, पहले भी मैं विज़िट कर चुकी हूँ, क्योंकि ज़ियान की हर चीज़ें जो है बहुत सेंसिटिव होकर चलती हूँ। तो ये सेकेंड टाइम है कि मैं जो है यहाँ का विज़िट कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये क्लासरूम्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ के 4th फ्लोर हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ नीचे का जो है विज़िट करवा रही हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासरूम जी। तो फाइनली ज़ियान का एडमिशन हो चुका है। अच्छा, यहाँ के अगर एडमिशन की बात की जाए तो चार्जेस की, तो यहाँ पे एडमिशन फ़ी 15,000 है, ठीक है, और मंथली फ़ी जो है 4,200 है। तो हमने ज़ियान की फ़ी वगैरह जो है एडमिशन वगैरह जो है जमा करवा दिया है। और अच्छा, यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रही थी और ज़ियान के पापा ने भी काफ़ी कोशिश की कि हम ज़ियान को प्ले ग्रुप में ना करवाएं, प्ले ग्रुप से ऊपर करवाएं, ठीक है, KG1 में करवाएं। लेकिन उसका हमें वो सिलेबस दिया गया है और 1 वीक का टाइम भी दिया गया है। अगर हम 1 वीक में ज़ियान को जो है सब कुछ प्रिपेयर करवा सके तो देन ज़ियान को जो है KG1 में ये एडमिशन हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ प्ले ग्रुप में ही। अच्छी, तो ये है ज़ियान का सिलेबस, और इंशाल्लाह आई होप्स हो कि मैं इसको प्रिपेयर करवा सकूं। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चे की बेस अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे इस रोड पे जितने स्कूल हैं तकरीबन तमाम स्कूल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर AQ खान स्कूल है सामने, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे SNS है, वो तो आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छा है। और बस मेरी विश थी कि मैं दरअरकम ही करवाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ज़ियान का एडमिशन हो चुका है। गाइस, तो फाइनली ज़ियान का एडमिशन हो चुका है, और 12th से ज़ियान स्टार्ट करना है। 1 वीक का टाइम मिला है ज़ियान के टेस्ट का, सिलेबस का, ठीक है। तो खैर, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं प्लांट नर्सरी। अच्छा गाइस, इससे पहले हम लोग प्लांट नर्सरी में गए तो वहाँ पे कुछ एलोवेरा ग्रीन फ्रेश नहीं था, इसलिए हम लोग आगे वाली नर्सरी में जा रहे हैं। इससे आगे एक और नर्सरी भी है, तो वहाँ चलते हैं हम लोग। जी गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत खूबसूरत से फूल और ग्रीनरी सारी, ठीक है, और ये है एलोवेरा। जी गाइस, जैसे आप जानते हैं कि एलोवेरा के बेशुमार फ़ायदे हैं। एलोवेरा आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ ज़रूरी है कि एलोवेरा प्लांट हमारे घर में होना चाहिए, और मेरे पास पहले भी था लेकिन वो ख़राब हो गया था, जल गया था। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा भी लिया अपने बालों के लिए, ठीक है, और मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको अपने बालों पर किस तरह से अप्लाई करना है। और यहाँ पर मैंने एक मनी प्लांट भी लिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खैर, हम लोग जा रहे हैं घर वापस, ठीक है, और आई होप सो आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
करूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे पेज को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।